जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। तो जहाँ डीआरडीओ का प्राइमरी फोकस इस समय एयर टू एयर मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल बनी है, तो इसी समय एक बड़ी रिपोर्ट शॉ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन पर आधारित एक नई मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो कि शॉ पर आधारित होगी। बस फर्क इतना होगा कि एक तरफ जहां शॉ अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ग्लाइड करता है, तो वहीं ये नई एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल एक मिनी टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करेगी और इसमें जो रेंज होगी वो 200 किलोमीटर की होगी। अगर आप ट्रेडिशनल 100 से कंपेयर करें तो उसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर की हो जाती है। लेंथ की बात की जाए तो ये एक बड़ा वेपन सिस्टम होगा जिसकी लेंथ 2.5 मीटर की होगी और शॉ की अगर ओरिजिनल लेंथ की बात करें तो ये 1.8 मीटर की है। लेंथ बढ़ने का कारण ये है कि इसमें एक मिनी टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इससे एक्सटेंडेड रेंज प्रदान करेगा। वहीं इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा इसमें एक और नई चीज़ शामिल की जाएगी, वो होगी AI सपोर्टेड ऑप्टिकल एक क्रूज सिस्टम जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस कर देगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि MiG-21 अब भारतीय वायुसेना की सर्विस को छोड़ रहे हैं और एक चरणबद्ध तरीके से 2025 तक इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो इनके जाने के बाद अब Sukhoi-30 MKI की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ी है। हम सब जानते हैं कि अभी MiG-21 का रिप्लेसमेंट जो कि Tejas Mark 1A है वो उचित संख्या में नहीं बन पा रहे हैं और इसके वजह से Sukhoi-30 MKI की जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बढ़ा दिया जाएगा और जो डिकमीशन होने के बाद MiG-21 के गैप क्रिएट होंगे उनको फिल करने की जिम्मेदारी अब Sukhoi-30 MKI के कंधे पर आ चुकी है। यानी जब तक हमारे पास उचित संख्या में Tejas Mark 1A नहीं आएंगे तब तक जो गैप क्रिएट होगा उसको कवर करने के लिए Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर अब जरूरत यह है कि हम अपने Tejas Mark 1A फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। भारत का रक्षा मंत्रालय HAL के रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने बाकायदा HAL को एक पत्र लिखकर के इस बारे में आगाह किया है कि जो टाइमलाइन आपने सुनिश्चित करी है आप उस पर टिके रहें और बार बार के डिले का जो खेल है अब ये इंडियन एयरफोर्स के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक आपने जितने भी एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का वादा किया था आप उनको डिलीवर करें, अन्यथा आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस चीज़ ने HAL के ऊपर काफ़ी दबाव बना दिया है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इसमें जो मेन दोषी है वो HAL नहीं है बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक है, जिसने वादे की पूर्ति ना करते हुए इंजन डिलीवरी में डिले करी। हालांकि अभी भी 2 Tejas Mark 1A बन के तैयार हैं और इसके अलावा जो बाकी के एयरक्राफ्ट हैं ये अपने प्रोडक्शन लाइन पर हैं, जबकि तेजस ट्रेनर की बात करें तो 5 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट अलग अलग इस समय प्रोडक्शन स्टेजेस में हैं जिनको HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा है और ये सारे एयरक्राफ्ट जो हमारे रिजर्व इंजन हैं उनकी सहायता से किए जा रहे हैं तैयार, जबकि जो नए इंजन हैं इनकी सप्लाई सितंबर से शुरू होगी, जहां पर 2 इंजन प्रतिमाह की दर तक डिलीवर करने में जनरल इलेक्ट्रिक सक्षम होगी। अगली बड़ी अपडेट जोरावर लाइट टैंक को लेकर के आ रही है। जोरावर लाइट टैंक को लेकर के DRDO चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि लार्सन चोब्रो और DRDO के संयुक्त उपक्रम में तैयार किया गया जोरावर लाइट टैंक दिसंबर 2024 से यूजर ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा और इसे इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जहां पर एक चरणबद्ध ट्रायल की प्रक्रिया को यह पूरा करने के बाद भारतीय थल सेना को ज्वाइन करेंगे। इंडक्शन को लेकर के उन्होंने ये कहा कि अभी तकरीबन इसमें 2 वर्ष का समय लग सकता है और 2027 तक आप लोग इस टैंक को भारतीय थल सेना की सर्विस में आते देखेंगे। हमें लाइट टैंक की जरूरत सबसे तब महसूस हुई जब चाइना के साथ हमारा गतिरोध चरम पर था और चाइना ने अपने लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया, तो उस समय उसके जवाब में भारत के पास कोई लाइट टैंक नहीं था और वहीं से जोरावर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और रिकॉर्ड टाइम में जो लाइट टैंक है भारत के द्वारा बना के तैयार कर दिया जाता है। अगली बड़ी अपडेट भी DRDO से आ रही है। DRDO ने जोरावर लाइट टैंक के अलावा जो रुद्रम सीरीज की मिसाइल है, अस्त्र सीरीज की मिसाइल है और सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है, इसको लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट साझा करी है। DRDO चीफ डॉक्टर समीर बी कामसन ने एक मीडिया वक्तव्य के दौरान ये कंफर्म कर दिया है कि रुद्रम 2 मिसाइल जो कि हमारी एक हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाली है, हालांकि इसके ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे। अस्त्र Mark 2 मिसाइल जो कि एक BVR मिसाइल है जिसकी रेंज 140 से 160 किलोमीटर की होगी। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है ये अगले 2 से 3 वर्षों में इंडक्ट कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्य अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 वर्षों में ये सभी सिस्टम आपको भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रुद्रम 2 के लिए इंटीग्रेशन चल रहा है, अस्त्र Mark 2 अपने अंतिम टेस्ट तक पहुंच चुकी है और रिजल्ट ट्रायल्स के बाद इनका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। तरंग शक्ति एक्सरसाइज इस बार काफी खास होने वाली है, क्योंकि इस बार तरंग शक्ति एक्सरसाइज में यूरोफाइटर टाइफून F-15EX और राफेल का आमना सामना होने वाला है। बोइंग ने एक काफी बढ़िया यहां पर कह सकते हैं ऑफर भारत के सामने रखा है, जहां पर बोइंग ने TOT के साथ $90 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट में F-15EX भारत को ऑफर करे हैं। वहीं लाइफ टाइम सपोर्ट और लोकल प्रोडक्शन की बात भी बोइंग के द्वारा कही गई है और ये काफ़ी रेयर होता है जब हम अमेरिका को किसी भी देश के सिस्टम को इंटीग्रेट करने की परमिशन देते हुए देखें। वहीं बोइंग ने यह भी कहा है कि जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है और इंडियन सिस्टम है उनको भी इंटीग्रेट करने के लिए बोइंग तैयार है
और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि F-15EX को लेने के बाद भारत के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी जो अभी तक भारत के पास नहीं है। खैर F-4 स्टैंडर्ड अभी भी यहाँ पर एक सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है और जो मेन कॉम्पिटिशन है वो टाइफून, F-15EX और राफेल F-4 स्टैंडर्ड के बीच में है। आपको क्या लगता है भारतीय वायुसेना को किसको सेलेक्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।